कोरिया नहीं आने पर्यो साउथ कोरिया भी आँच मेरे कुरा भैर साउथ कोरिया अब थाइलैंड जानी भन्ने बित्तिकै गलत सोच्ने हो कि भनेर म थाइलैंडमा अलि थाइलैंड अलि दूर राखेको छु कि अन्त त कहिले काहीँ यसो गएर फ्रेस हुने टक्क बिच साइडमा गएर होइन त्यही डिनर भन्यो होइन के भन्यो सबैसँग भेटघाट गर्नु पऱ्यो होइन त्यस्तो हुनुपर्दो रहेछ सेलिब्रेटी भएपछि ए भर्खर थाहा पाउँदैछु मैले पपुलर हुन झन् गाह्रो छ पपुलर भइसकेपछि झन् गाह्रो छ सगरमाथा चढ्नु पनि गाह्रो छ चढ्नुभन्दा धेरै त्यहाँ बस सगरमाथामा टिकिरहन क्या उचाइमा क्या हावा धेरै आउँछ नि त त्यहाँ बसिरहन गाह्रो हो क्या चढ्न त अब चढिरहेछन् मान्छेहरू आपको मैंने बायो देखा है अलरेश लिखा इट मींस आप और आलिया मैरिड है राइट ये क्या कह बहुत ज्यादा खुश रखिए बहुत मेरी दुआएं हैं आप लोगों को बहुत खुश गाइस हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो आई बाबू सर ठीक उनका चुनकर मस्त होंगे गाइज गाइज हम रिएक्शन कर रहे हैं सुरेश लामा के न्यू टिकटॉक लाइव वीडियो के ऊपर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइज ये वीडियो अंदर तक अच्छी लाइक तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए जो मेरे को सपोर्ट कर रहे थैंक यू सो मच गाइज देखते हैं आज की वीडियो ओके लेट्स गो कोरिया नहीं आऊं पर साउथ कोरिया भी आऊं छु मेरे पूरा भी ना कोरिया जा रहे सुरेश भाई अब गाइज पूरा वीडियो देखते हैं अब हम साउथ कोरिया लगभग साउथ कोरिया नहीं फिक्स है वो तर अली टाइम लग सा कति बेला जाने दिदी हजुर दिदी कति बेला जाने खोइ अब 10-11 होला खोइ त्यस्तै लाग्छ हङकङ चाहिँ छैन अब हङकङ हङकङमा चाहिँ बोलाएको छैन मलाई हङकङमा एकचोटि बोलाउनु भएको थियो त्यो तर कार्यक्रमै सर्यो थाइल्यान्ड नै आउँदा थाइल्यान्ड अब आफ्नै पैसा ल्याउनु पर्ला अब कसरी बोलाउँदैन प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दैन सस्तो पनि छ नि त थाइल्यान्ड राजेश पालले अब थाइल्यान्ड जाने भन्ने बित्तिकै गलत सोच्ने हो कि भनेर म थाइल्यान्डमा अलि थाइल्यान्ड अलि दूर राखेको छु कि अन्त त कहिलेकाहीँ यसो गएर फ्रेस हुने टक्क बिच साइडमा गएर होइन त्यही होइन त्यो हो नि त अब अहिले युके आएको भनेको त अब इट्स काम होइन गाइस काम हो यो त्यही भएर कामलाई चाहिँ अब यहाँ थोडी इन्जोय गर्न थोडी आएको इन्जोय गर्नुको लागि छुट्टै एउटा हुन्छ क्या जस्तै यति एक हप्ता चाहिँ म टक्क इन्जोय गरेर आउँछु मात्र गाना गाउन लागेपछि हेर्नुहोस् अब गाना गाउने बेलामा इन्जोय नै हुँदैन रहेछ क्या गाना गाउने बेलामा गाना विदेश गए पनि गाना गाउनुपर्छ तयारी गर्नुपऱ्यो होइन यताउति उयो गर्नु पऱ्यो अनि फेरि सेलिब्रेटी भएर गइसकेपछि अब सबैसँग भेट्नु पऱ्यो होइन मिल्नु पऱ्यो डिनर भन्यो होइन के भन्यो सबैसँग भेटघाट गर्नु पऱ्यो होइन त्यस्तो हुनुपर्दो रहेछ सेलिब्रेटी भएपछि भर्खर थाहा पाउँदैछु मैले अनि त्यो भइसकेपछि घुम्ने आफ्नो फ्रेस तरिका त्यो कहिले चान्सै भएन नि त घुम्ने भनेर जानेको लागि आउनुपर्ने रहेछ क्या घुम्ने बस नो अदर थिङ्स होइन गाइस के यो कुरो भाइ नमस्कार 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 यो गाह्रो नै छ गाह्रो छ नि हजुर पपुलर हुन झन् गाह्रो छ पपुलर भइसकेपछि झन् गाह्रो छ सगरमाथा चढ्नु पनि गाह्रो छ चढ्नुभन्दा धेरै त्यहाँ बस सगरमाथामा टिकिरहन क्या उचाइमा क्या हावा धेरै आउँछ नि त बसिरहन गाह्रो हो क्या चढ्न त अब चढिरहेछन् मान्छेहरू र को कतिसम्म टिक्छ त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यस्तै छ लन्डन कुन ठाउँमा एन्डओभर बट युआर सो स्मार्ट म्यान आइएम स्मार्ट भेरी माया बसेसँग खोइ आउँछ माया बसेसँग थ्याङ्क यू प्रेम दाई डोन्ट वरी गाइज
Oh my god. तिम्रो यादमा हराउँदा सबले डबल टाइम लाइफ सेयर अबुधाबी कहिले आउने अबुधाबी कति आउने अबुधाबी यहाँ अस्ति भर्खर आउने अब जाने भनेको मलेसिया होइन फेरि एकचोटि अनि जाने भनेको साउथ कोरिया अहिले त्यही दुइटा मात्र फिक्स छ अरू कुनै पनि छैन त्यतै जान्छु दुइटा चाहिँ भिजा पक्कै पनि आउँला नि त सारा जमाना हसीनों का दीवाना एक दुई गेम खेल दी मैं आज हारने फिक्स हो आई नो तर पनि एक दुई गेम इसो एक दुई गेम खेल्दै भनेको खै कोसँग खेल्ने भइरहेछ आपको मैंने बायो देखा है अलरेश लिखा इट मींस आप और आलिया मैरिड है राइट ये क्या कह रही है बहुत ज्यादा खुश रख के बहुत मेरी दुआएं हैं आप लोगों को बहुत खुश गाइस क्या है गाइस क्या हो रहा है ये ऐसा नहीं है है ऐसा हम दोनों दोस्त हैं अच्छे आप लोग अच्छे दोस्त हैं और ये क्या अलरेश फॉरएवर ये क्या वो हम दोनों मिलके ना अलरेश फॉरएवर के नाम से ना हम सब सोशल वर्क करते हैं सोशल वर्क करते हैं बहुत अच्छी बात है आप तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं तो हाँ जी लोगों को वो करते हैं हम बहुत अच्छी बात है दुखी लोगों को हम हेटर्स भी बहुत हैं हाँ जी आप लोगों के हेटर्स भी बहुत है ना वो तो होना चाहिए ना हेटर्स नहीं होंगे तो फिर लाइफ का मजा ही नहीं है ना मजा ही नहीं है यार सक्सेस का मजा ही नहीं है दो चार लोग जलने वाले दो चार बुरे बोलने वाले लोग नहीं होंगे तो फिर कैसे है ना पुराने वाले फैन हो गए अब न्यू चाहिए ऐसा भी है ना ओल्ड वन बिकम माय फैन नाउ आई नीड न्यू हेटर्स ऐसा भी होता है ना तो पुराने हेटर फैन बन जाते हैं तो आपको न्यू हेटर चाहिए होते हैं लाइफ में हाँ जी आप मुझे फॉलो देंगे वैसे ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं कुछ अच्छा बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं वैसे अब कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो इन बेकार की बातों में बीतना जाए रहना ऐसे आपकी आदत होंगे कि कमेंट पढ़ना नहीं लेकिन जब हमारे साथ आओगी मतलब हमारे साथ प्ले करोगी पॉजिटिव पढ़ती हूँ नेगेटिव अच्छा ठीक है चलो एक और मैं आए कभी आप कतर क्यों नहीं आए दो बार दो तीन बार आया हूँ आपको कतर कैसा लगा वैसे पर्सनली कतर है अच्छा बड़ा अच्छा है पीसफुल है पीसफुल है ना दुबई से ज़्यादा पीसफुल है पता नहीं कुछ लोग कहते नहीं दुबई अच्छा है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कतर अच्छा है लेकिन जो जहाँ रहता है वो उसको अच्छा बोलता है लेकिन आप पहले ऐसे इंसान है जो कहीं और रहे कि कतर को अच्छा बोल रहे हैं कतर अच्छा है वैसे है ना मतलब सुकून है सुकून है वैसे किसी का सुकून कतर पे किसी का नेपाल पे होता है किसी का हाँ यूके में होता है सुकून तो नेपाल तो है ही सुकून की जगह मैं तो जाऊंगी मैं एक साल से सोच रही हूँ नेपाल जाऊँ लेकिन बस वीजा की हाँ जाओ ना नेपाल प्लीज जाऊंगी काठमांडू सबसे प्यारा सिटी कौन सा है नेपाल में पोखरा जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं नहीं गाड़ी से भी जाते हैं अच्छा हेलीकॉप्टर से तो वो तो पहाड़ी इलाके में जाते हैं वहाँ पे बर्फ भी थी मैंने देखा हाँ बर्फ वो तो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है माउंट एवरेस्ट उधर है ना नेपाल में नेपाल बचपन में जब मैं नॉवेल्स पढ़ती थी मुझे बहुत शौक था कि मैं पहाड़ ना की चोटी सर करूं माउंट एवरेस्ट फिर जब बड़ी हुई तो
बहुत मुश्किल है बर्फ में इवन सरवाइव करना भी, जो लोग करते हैं बहुत मुश्किल है। वो तो आपको शौक है वैसे एडवेंचर्स का, कि मैं एडवेंचर्स करूं पानी में? हाँ शौक है, वैसे भी शौक है, लेकिन जिंदगी में भी है, एडवेंचर ही हो रहा है। मैं कभी मतलब स्काई डाइव या जिप लाइन इस तरह का कुछ किया है? ओ कि मैंने किया है, पैराग्लाइडिंग किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। मैंने पता है दुबई में स्काई डाइव भी किया है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जिप लाइन भी किया है, स्कूबा डाइव पानी के अंदर मैं 12 मीटर भी गई हूँ, और उसके अलावा मैंने फ्लाई बोर्ड भी किया है, जेट्स की, मतलब मैंने कोई एडवेंचर नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में। अभी बस वो रह गया जो रस्सी के साथ नीचे फेंक देते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, बंजी जंप, बंजी जंपिंग, वो रह गया है। वो नेपाल में करना फिर? हाँ वो नेपाल में ही करूँगी, इसलिए तो नेपाल जाना चाहती थी कि वहाँ का अच्छा है। ठीक है, ढकेलना है तो मुझे बुलाना। बहुत माहिर हूँ। ओके ठीक है, ओके पिज़्ज़ा भी नहीं लगेगा। गाइस थैंक यू पल्दाई, ए सुमदाई, यस बहुत अच्छा। लोग कह रहे हैं नेपाल में 3 महीने फ्री वीज़ा होता है। फ्री वीज़ा नहीं, फ्री वीज़ा फ्री नहीं है। वीज़ा फ्री कैसे होगा? ऑन अराइवल वीज़ा है, आपको दर एम्बेसी में आके करना पड़ेगा। ऑन अराइवल वीज़ा सिर्फ मतलब गल्फ में रहने वालों के लिए या फिर किसी का? हाँ बॉर्डर खुला होता है, हाँ वीज़ा लगा है, ना मुश्किल नहीं है। आपकी सबसे फेवरेट हॉबी क्या है, मतलब सब कौन सी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा करना पसंद है लाइफ में, आप चाहते हो वो चीज़ मैं करूँ बार बार करूँ?